हेलो दोस्तों, मैं हूँ पीडियाट्रिशियन डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज मैं बात करने वाला हूँ कि छोटे बच्चे क्यों रात में रोते हैं और इस प्रॉब्लम का हम कैसे समाधान कर सकते हैं। तो देखिए, जो छोटे बच्चे हैं, जो स्पेशली 1 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है कि वो बच्चे रात में उठ के रोते हैं और इससे पेरेंट्स को काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि वो रात में भी नहीं सो पाते और दिन में भी बहुत काम करना पड़ जाता है, तो इस तरह से पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं। तो इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जानना पड़ेगा, मोस्ट कॉमन कारण छोटे बच्चों का रात में रोने का ये होता है कि उनको भूख लगती है। हर बच्चा जो दूध पी रहा है, सिर्फ दूध के ऊपर है, उसको 2 से 3 घंटे में दूध पच जाता है और फिर उठ के वो रोने लगता है। तो इसका समाधान यही है कि जब भी बच्चा उठ रहा है तो आप उसको तुरंत फीडिंग करा दें। मदर अगर ब्रेस्ट फीड कर रही है तो ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, अगर फॉर्मूला फीड करते हैं तो क्विकली फॉर्मूला बना के बच्चे को पिला दें, और फिर बच्चा सोता है तो उसके साथ साथ माँ को भी बच्चे के साथ ही सोना है। 2 से 3 घंटे जब बच्चा सो रहा है तो उसके साथ मदर भी सो जाए, और अपनी नींद उस तरह से माँ को भी पूरी करनी पड़ती है, बच्चे के साथ ही सोना पड़ता है, फिर बच्चे के साथ जग के बच्चे को फीड करना है, फिर सोना है। तो रात के दौरान अगर आप इस तरह से बच्चे के साथ सोएंगे और उठ के फिर दूध पिला के फिर सो जाएंगे, आपकी नींद पूरी हो सकती है। तो ये एक तरीका है जिससे आप रिलैक्स हो सकते हैं और बच्चे को दूध पिला के आप आराम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसी में है कि जब भी बच्चा रात में दूध पीने के लिए उठ रहा है, उसी टाइम पर आप बच्चे की डायपर भी चेक करके चेंज कर ले एक ही साथ। नहीं तो फिर बच्चा अगर अलग से डायपर फिर से अगर डायपर गीला करता है तो फिर से आपको उठ के डायपर चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और इसके वजह से भी कई बार बच्चे रोते हैं। डायपर की वजह से भी बच्चों की नींद टूट जाती है और वो रोते हैं। ये होता है कि जो बच्चों की नॉर्मल स्लीप साइकिल है वो ऐसी होती है, क्योंकि गर्भ के समय पर बच्चा जो है माँ की गर्भ में दिन में एक्चुअली सोता है, क्योंकि दिन में जब माँ मूव करती है तो बच्चा जो माँ के गर्भ में रहता है, वो एक जो लिक्विड होती है एमनियोटिक फ्लूइड, उसमें वो बच्चा तैरते रहता है एक झिल्ली के अंदर, तो उसको एक झूलने की फीलिंग आती है जिससे बच्चा रिलैक्स होकर दिन में सोता है, और जब रात में माँ रेस्ट करती है तो बच्चा फिर जग के खेलने लगता है, किक करने लगता है जब बच्चा गर्भ में रहता है। यही स्लीप साइकिल बच्चों की कई बार जन्म के बाद भी शुरू में चलती है। तो इसको कम करने का तरीका ये है कि जब बच्चा दिन में रहता है तो उस टाइम पे आप घर में अच्छे से लाइटिंग करें, थोड़ी बहुत सूरज की रोशनी आने दें, तो इससे धीरे धीरे बच्चों की स्लीप साइकिल चेंज होती है और बच्चा दिन में जग के खेलता है और रात में सोता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है। थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज जो है बच्चों के रात में रोने की, वो होती है बच्चों की गैस की प्रॉब्लम। गैस की प्रॉब्लम के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, बट शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि जब बच्चा तकरीबन 3 से 4 वीक का हो जाता है, मतलब 1 महीने के अराउंड, बच्चों को दूध पीने की वजह से पेट में बहुत सारा गैस बनता है, और ये गैस उनके इंटेस्टिन को स्ट्रेच करता, वहाँ पर खिंचाव करता है, और इसकी वजह से बच्चा रात में बहुत रोता है। कई बार लेट इवनिंग से लेकर पूरी रात 3-3 घंटे 4-4 घंटे बच्चे रोते रहते हैं। तो गैस की प्रॉब्लम को कम करने के लिए आप कोलिक मसाज कर सकते हो, बच्चे को कंधे पे लेके सहलाते हुए थोड़ी खुली हवा में ले जा सकते हो, और सिमेथिकॉन बेस्ड कुछ ड्रॉप्स आती हैं वो आप अपने डॉक्टर से लिखवा के वो भी दे सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे टेक्निक्स मैंने बताए हैं अपने एक वीडियो में, डिटेल वीडियो बनाया है कि बच्चों को गैस में कैसे आराम दिलाया जाए, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें ताकि जो भी गैस की प्रॉब्लम है उसको आप आसानी से बच्चों को आराम दिला पाए। नंबर 4 प्रॉब्लम जो बच्चों को होती है वो है कि नोज़ ब्लॉक हो जाना। देखिए, एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि छोटे बच्चे जो हैं वो सिर्फ नाक से सांस ले पाते हैं, वो मुंह से सांस नहीं ले पाते हैं। तो कई बार क्या होता है सर्दी के मौसम में, या फिर कई बार हम ऐसी फ़ैन चलाते हैं, या इस तरह भी जो हमारे नाक की मैल बनती है बच्चों में नॉर्मली, उसके वजह से भी नाक बच्चों की बंद हो जाती है, और जैसे ही बच्चे की नाक बंद हो जाती है उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर बच्चा उठ के रोने लगता है। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो सलाइन नेजल ड्रॉप है, जो नेजो क्लियर के नाम से आती है, या फिर और भी अच्छी कंपनी के दूसरे भी सलाइन नेजल ड्रॉप आते हैं, उसको आप यूज़ करके बच्चे की नाक को साफ करें। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आपको क्लिप दिख रहा होगा कि हम नेजो क्लियर ड्रॉप या सलाइन नेजल ड्रॉप को नाक में डाल के बच्चे की नाक साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर क्लीन ना हो तो हम बल्ब सकर की मदद से भी बच्चे की नाक की मैल निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों की नोज़ ब्लॉक को भी ठीक करने से उनको आराम आता है, फिर वो बच्चा सोने लगता है और रोना बंद कर देता है। नंबर 5 जो कारण है बच्चों के रात में रोने का, ये होता है कि कई बार बच्चों को रिफ्लक्स होता है, मतलब ये कि जो बच्चे ने दूध पिया है वो दूध उनके पेट से उनके गले में आने लगता है और उससे उनको जलन होती है और बच्चा रोने लगता है। इसका मेन कारण ये है कि जो बच्चों की फूड पाइप और स्टमक के बीच में जो वाल्व होती है वो 1 साल तक पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाती, और इसके वजह से बच्चा जब भी फ्लैट सोता है बेड पे तो उसकी जो मिल्क है वो गले में आ जाती है, उससे बच्चे को इरिटेशन होती है और बच्चा रोने लगता है।
इससे बचने के लिए प्राइमर एक बेसिक होम रेमेडी ये कर सकते हैं, बर्पिंग अच्छी तरीके से करने से बच्चों की पेट की जो गैस निकल जाती है और मिल्क रिगर्जिटेशन कम हो जाता है। और फाइनली इन सब टेक्निक्स के बावजूद भी अगर आपका बच्चा बार बार मिल्क निकालता है तो आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके एंटी रिफ्लक्स मेडिसिन भी ले सकते हैं। नंबर सिक्स जो कारण होता है वो 6 महीने से बड़े बच्चों को कई बार ऐसा होता है कि टीथिंग की प्रॉब्लम होती है, मतलब दांत निकलते वक्त मसूड़े में सूजन, दर्द और इरिटेशन होती है, इसकी वजह से बच्चा रात में नहीं सोता है। तो ये जो टीथिंग जो होती है ये 6 महीने के बाद ही बच्चों के, जब बच्चा 6 महीना कंप्लीट करता है उसके बाद ही शुरू होती है। टीथिंग की प्रॉब्लम से आराम दिलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ठंडा पानी लेके फिंगर के अराउंड एक कॉटन कपड़ा लगा के उसको हल्का सा वहाँ डिप करके बच्चों की गम पे मसाज कर सकते हैं, और इस तरह से मसाज करने से उनकी जो दर्द है आराम आ जाती है। इसके अलावा भी डॉक्टर से पूछ के आप पैरासीटामोल की ड्रॉप भी दे सकते हैं जिससे उनकी जो टीथिंग में दर्द हो रहा है उससे भी उनको आराम आ जाता है। इसके अलावा भी टीथर यूज़ किया जा सकता है जिससे टीथिंग के दर्द में बच्चों को आराम आ जाता है। फाइनली 7 नंबर कारण जिसकी वजह से बच्चे रात में रोते हैं वो है कंफर्टेबल एनवायरनमेंट का ना होना। कई बार पेरेंट्स डरते हैं और फैन, कूलर या एसी का यूज़ नहीं करते तो रूम काफ़ी गर्म हो जाता है जिससे बच्चा परेशान हो जाता है, उसको पसीना आता है या फिर वो तकलीफ महसूस करता है इसलिए उठ के रोने लगता है। तो देखिए एसी, कूलर या फैन हम छोटे बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं बट कुछ सावधानियों का ध्यान रखना होता है, और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं रखना होता है। 24 से 27 डिग्री अगर सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो उससे बच्चे को फिर आराम महसूस होता है और बच्चा आराम से सोता है। और अगर आप कूलर या फैन यूज़ करें तो मैक्सिमम पावर पर यूज़ ना करें, उसका कूलर एसी या फिर फैन का ब्लो बच्चे के ऊपर डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि कई बार इन चीज़ों के यूज़ करने से, एसी, कूलर या फैन यूज़ करने से बच्चों की नोज़ ब्लॉक होती है, तो सलाइन नेजल ड्रॉप यूज़ करके आप बच्चों की नोज़ को खोल सकते हैं, नाक को खोल सकते हैं, इससे बच्चे को आराम आता है। तो टेम्परेचर सही मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है जिससे बच्चे कंफर्टेबली सो पाए, क्योंकि आपको भी, आप खुद भी एक्सपीरियंस होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी या फिर उमस होने से हम भी सो नहीं पाते, तो बच्चे के लिए भी ये सेम है। दूसरी चीज़ होती है कि जो बच्चा जहाँ सो रहा है उस एरिया को आपको थोड़ा डार्क रखना है और नॉइज़ फ्री रखना है, मतलब वहाँ थोड़ा शांति होनी चाहिए तभी बच्चा सही तरीके से सो पाता है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं आशा करता हूँ बच्चा जो है कम से कम रात में उठ के कम रोएगा और आप भी अच्छे से सो पाएंगे, बच्चा भी सो पाएगा, क्योंकि बच्चों की नींद बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों की ग्रोथ में भी बच्चों की नींद का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैं ऐसा करता हूँ इस वीडियो से आपको बच्चों की रात में जग के रोने की प्रॉब्लम से कुछ सोल्यूशन मिल गया होगा, कि किस तरह से कुछ समाधान मिल गया होगा कि जिससे आप अपने बच्चे को चुप करा पाएँ, अच्छे से सो पाएँ। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरे माता पिता के साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने में हमें, मुझे और मेरी टीम को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी को साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन बच्चों की हेल्थ के रिगार्डिंग मिले, इसलिए हम ये वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा कि जब हम नया वीडियो रिलीज़ करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है, किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।